जीएसटी बढ़ाने के विरोध में वीडी क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों ने ब्लैकआउट कर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। जीएसटी बढ़ाने के विरोध में वीडी मार्केट के व्यापारियों ने मार्केट में ब्लैकआउट कर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध के चलते लगातार 3 दिन तक शाम को ब्लैकआउट किया जाएगा। यह हम आपको बता दें, अभी तक सरकार कपड़े पर 5% जीएसटी लगाती थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर अब जीएसटी की दर 5 से 12% बढ़ा दी गई है, जिसके विरोध में वीडी मार्केट के व्यापारियों ने मंगलवार शाम 7 बजे ब्लैक आउट किया। जीएसटी के विरोध में मार्केट में व्यापारी सीटी बजाते हुए निकले। आधे घंटे से भी अधिक समय तक मार्केट अंधेरे में डूबा रहा। व्यापारियों के अनुसार 3 दिनों तक लगातार जीएसटी दर बढ़ाए जाने के विरोध में ब्लैक आउट किया जाएगा। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के अध्यक्ष कमल चांदोड़िया के अनुसार पहले कपड़े पर 5% जीएसटी थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2022 से 12% करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश की जीएसटी संघर्ष समिति के बैनर तले 3 दिन का ब्लैक आउट रखा गया है। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका विरोध चल रहा है और एमपी में भी एमपी जीएसटी संघर्ष समिति बनी है, उसके बैनर तले हम सब पूरे एमपी में भी विरोध कर रहे हैं। हंसराज जी जैन जो इंदौर के अध्यक्ष है, वो पूरे ऑल एमपी के जीएसटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो है, उन्हीं के बैनर तले हम आगे की रूपरेखा बना के सर आगे और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, उसमें हम आम जनता को भी जोड़ेंगे साथ में। प्रथम चरण की शुरुआत मंगलवार से हुई तथा गुरुवार तक प्रतिदिन रात्रि 7 बजे से 7:20 तक 20 मिनट अपनी दुकान की लाइट बंद कर दुकान पर बाहर खड़े होकर थाली लोटा आदि बजाएंगे। इसके बावजूद सरकार सुनवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इस मौके पर सचिव राहुल सोगानी, पवन अग्रवाल, सौरभ कोचर, संतोष कोठारी, संदीप माहेश्वरी, मनीष चौधरी, श्याम मैरतवाल, जयराम जय सिंघानी, पंकज अग्रवाल, राकेश कांकाणी, रमेश गुप्ता, श्याम लाल करमचंदानी, विनोद बाफना, महेश खंडेलवाल, मोहन रूनवाल, विक्रम बाफना आदि मौजूद रहे। 12% करा है, उसके विरोध में प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जीएसटी संघर्ष समिति बनी है और पूरे प्रदेश में अभी हमने 20 मिनट का ब्लैकआउट का निर्णय लिया है। उसमें 3 दिन तक का ये आंदोलन रूपी हमने सरकार से करा है। 22, 23 और 24 3 दिन का हमने अभी एक ये संघर्ष समिति में निर्णय लिया था कि ब्लैकआउट करना है, तो अभी ये 3 दिन इसमें हम थाली और सीटी और लोटे वगैरह बजा के और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं।